नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर। वॉरियर के हमारे मेहमान हैं ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष श्री गोवर्धन जी लिंबोदिया। लिंबोदिया जी के पास में इंदौर फूलमाली समाज का भी दायित्व है। लिंबोदिया जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आपका जीवन हमने देखा है, बड़े करीब से देखा है, बड़ी जीवटता से कड़े परिश्रम के साथ आगे बढ़े हैं। आपके बाल्यकाल से ही आपने कर्म को ही प्रधानता दी है। किस तरह बचपन को याद करते हैं बताइए। बचपन में वो एक जमाना था जी, जिस युग में बहुत गरीबी ये मिल एरिया रहा है शुरू से जी। मिल में काम करने वालों का तो हमारे मैं भी एक ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ जी। हमारा पैतृक गांव रहा है पानी गांव, वहाँ से हमारे पिताजी इंदौर आए, हमारे दादाजी इंदौर आए जी। वो एक गार्डन में माली का काम किया है एक उस जमाने में जी। फिर हमारे पिताजी आए तो उन्होंने मिल के अंदर नौकरी की जी। हमारे भाई रहे वो भी मिल की नौकरी में रहे बहुत सारे, क्योंकि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि मजदूर बिल्कुल मजदूर परिवार से है जी। तो मेरे पिताजी इंदौर शहर में मिल में काम करते करते कॉमरेड कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन की जी। और कॉमरेड के रहते हुए उन्होंने मतलब अपना जीवन शुरू किया पूरा मजदूरों के लिए, मजदूरों के संघर्ष के लिए वो लड़ते रहे। के संघर्ष के सारथी बने उसी के चलते जी। एक जन आंदोलन हुआ इंदौर में, मिलों में हड़ताल हुई तो हड़ताल को अधिकारियों ने तोड़ने का प्रयास किया जी। और उस हड़ताल को तोड़ने के प्रयास को विफल करने में हमारे पिताजी और ब्रदर ने बहुत योगदान दिया। उसके चलते उनको मिल से पृथक कर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वो मेरे जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण समय था, हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सही कहा। मैं वैसे पहले पढ़ाई करता था जी, साइंस बायोलॉजी में डॉक्टर बनने की सपना था। वो सपना वहाँ जाके चूर हो गया। और फिर धीरे धीरे इस व्यापार में जुड़े, फूलों का व्यापार हम करने लगे और घर घर जाके लोगों को फूलों की पुड़िया देना और लोगों से मतलब जिसके घर हम पूजा के फूल देने जाते कम से कम 10 मिनट तो उससे चर्चा हो ही जाती थी। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है लोगों की मित्रता और शहर में पहचान बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। उस कार्य 5 पैसे की पुड़िया बांटने के से तो आपने आपके जीवन की शुरुआत जो है फूलों की पुड़िया वितरित करने से की है। वो कौन सी उम्र थी आपकी बाल्यकाल की, खासतौर से जब आप इस कठिन परिश्रम वाले कार्य को करने में जुट गए थे? वो समय था मैं 10वीं की एग्ज़ाम ही दी थी जी और ये हमारा ये काम मतलब ऐसा इंस्टेंट हो गया जी। तो फिर पुड़िया तो हम 8वीं में पढ़ते थे, तब सुबह मतलब पढ़ाई करने स्कूल जाते थे, दोपहर में फूल लाके और शाम को लोगों घर घर पूजा पुड़िया देके और रात के टाइम हम पढ़ाई करते थे। वो एक जमाना था। खासतौर से बाल्यकाल की और पढ़ाई की बात चल रही है, शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा की बात चल रही है, तो जब शिक्षा की बात होती है तो उस प्रारंभिक काल के मित्रों की जरूर बात होती है। आपके साथ वो कौन कौन से बाल्यकाल के मित्र जुड़े जो आज खूब नाम कमा रहे शहर में प्रदेश में? उस समय में जब आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ उससे भी ऊंचे लेवल पे मेरे मित्र लोग रहे हैं जी। इंदौर में MISC मेंबर चंदूराव शिंदे जी जो है वो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे हम सफर रहे हैं जी जी। और सुरेश कुरवाड़े जितने सामाजिक क्षेत्र में लोग, या मेरे कुछ मित्र डॉक्टर भी हैं जी, डॉक्टर जैन है जो दंत चिकित्सक हैं, वो भी मेरे साथ पढ़े हैं जी। मेरे साथ में पढ़े हुए प्रकाश मेंदोला भी है जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, नंदानगर के अंदर विधायक रमेश मेंदोला जी के भाई हैं जी। और राजेंद्र राठौर जी जिनसे मेरा पारिवारिक मित्रता रही है जी। और मेरे शहर के अंदर आज मैं जो कुछ हूँ, माननीय कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला जी का मेरे जीवन में बहुत योगदान है। और जब से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ तब से मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। तो आज भी मतलब भगवान धर्म कर्म और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य में करने जा रहा हूँ, जो करता हूँ जी,
इतना प्रेरणा लेके उनसे प्रेरणा लेके उनके कर्मों पे ही चल के और आज तक सात्विक रूप से इस इतने 57 साल की उम्र को मैं टच कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा गोवर्धन जी, आपका जो जीवन है, जीवन का सफर है जो है, एक काफ़ी मोटिवेशनल व्यक्तित्व के रूप में भी देखा जा सकता है कि शुरुआत आपने बहुत छोटी सी की, जिस तरह से आपने बताया कि 5 पैसे की पूजा की फूल की पुड़िया जो है आप घर घर वितरित कर देते हैं, और आज एक आइकॉन के रूप में पहचाने जा सकते हैं, इंदौर ही नहीं महिला की नगरी नहीं पूरे प्रदेश भर के लिए, बड़े इवेंट्स हो या फिर विवाह समारोह हो, बड़े से बड़ा आयोजन हो, फूल आप ही का लगता है, डेकोरेशन आप ही का लगता है, आखिर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट। आपके एजुकेशन की बात की जाए तो केवल शुरुआती एजुकेशन हुआ है, आपने मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए, आपके दिमाग की बृहदता की बात की जाए, तो देखा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपके काम को यदि गिनाया जाए तो वाकई सक्सेस हो सकता है, किया जाए तो सक्सेस हो सकता है। आखिर ये गहरी सोच, ये व्यापक विचार कहाँ से सीख मिली आपको? दरअसल में एक आदमी का सोच का नज़रिया होता है। बिल्कुल सही कहा। संघ का नज़रिया होता है। मैं बचपन से ही ब्राह्मण और बनियों जो अग्रवाल बंधु है इन्हीं के संगत में मैं रहा हूँ। मैं मील एरिया में पैदा जरूर हुआ हूँ, पर मील एरिया से भी मेरे को परहेज नहीं है जी जी। पर मैं जीवन में हर काम को बहुत ऊंचा सोचता हूँ। बहुत बड़ी बात। छोटी सोच रखने वाला छोटा ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा। मेरी सोच बहुत ऊंची है हर काम में, मतलब जीना तो शान से जीना, बहुत ऊंची, तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कर्म करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। कर्म प्रधान मान के मैं जीवन में आज तक इस काम में चला हूँ, और उस काम को मैं निपुणता से करने का प्रयास करता हूँ, रात हो या दिन, फिर काम अगर है तो फिर काम मस्त है। काम के चलते अगर कोई दुर्घटना इंसिडेंट हो जाए तो भी उसको साइड करके आगे बढ़ना, काम तो करना ही है। काम अगर अपने किसी की जवाबदारी दी है जीवन में तो उस जवाबदारी को पूरा करना। बिल्कुल सही। और उस काम को मेरा व्यापार है लोगों को खुशियाँ देना। बिल्कुल सही कहा। अगर अपने पास कोई दुख आ गया जीवन में जी, तो अपने दुख को साइड में रखना और लोगों का जो काम, जो जिसकी खुशी है उसको पूरी निपुणता से करना, ये मेरा उद्देश्य। आपसे जब मैं चर्चा कर रहा था इंटरव्यू से पहले, तो आपने काफ़ी मन को एक रुदन भरने वाली बात बताई थी, जिस तरह से आप गीता के मूल मंत्र पर भी काम करते देखे गए, कर्मण्ये वाधिकारस्य, जिस तरह से 2 घटनाक्रम आपने सुना, एक माता जी का एक पिताजी का, और उस दौरान आपने लोगों की खुशी के लिए अपने दुख को भी कहीं ना कहीं यूँ कहे कि उस पर एक पत्थर रख दिया और लोगों की खुशी के लिए पहले काम किया, वो दोनों घटनाक्रम क्या थे आपके जीवन के? एक समय था कि मैं शादियों की बुकिंग काम करता हूँ जी, शादियों की बुकिंग रहती है हमारी एडवांस जी। अब उस बुकिंग करने वाला को ये तो पता नहीं कि आपके साथ क्या घटना हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। उसने तो आपको जवाबदारी दे दी जी। अब वो एंड टाइम पे चेंज कैसे करेगा जी। तो फिर एक बार मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, दुखद क्षण कहेंगे, दुखद मतलब जीवन में मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ थी। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा पता चला कि अस्थमा की बीमारी थी जी, उसके चलते वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई और हम अपने काम में दिन भर लगे रहे। शाम को हमको जानकारी मिली कि माता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है जी। ये नहीं बताया गया कि कुछ हो गया जी। तो मैं हॉस्पिटल गया अपनी माता जी को देखने जी। और देखा तो वो इस दुनिया में नहीं चुकी थी, पर दूसरे दिन का जवाबदारी जिसकी थी सुबह की शादी जी, उसका काम मेरे को करके देना था, जुनून वो था। बिल्कुल सही। तो मैंने उस समय अपने आप को संभाला जी, घर परिवार को भी जानकारी नहीं दी कि ऐसा इंसिडेंट हो गया, नहीं तो वो घर निकलने नहीं देते जी। मैं गया और जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं मेरी हो सकी काम की, मैंने अपने वर्करों को पूरा काम डिस्ट्रीब्यूट किया। रात को 11 बजे वापस मैं हॉस्पिटल पहुँचा, तब जाके मैंने अपने सब इस लोगों को सूचना दी और इसका कि अब ये माता जी नहीं रही। तो काम को प्राथमिकता देना
अब जिसने काम दिया है वो तो बिल्कुल सही कहा, जवाबदारी मांगे। धर्म संकट भी उसे कहते हैं, लेकिन जो लोग कर्म में विश्वास करते हैं, और मुझे लगता है संत प्रवृत्ति भी होती है, कई बार देखा जाता है कि संतों की कई ऐसी रोचक किंवदंतियाँ सुनने को मिलती है कि जब संत कीर्तन करते प्रवचन करते उस समय यदि उन्हें कोई दुखद सूचना मिलती है तो वो अपने काम को पहले प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद में अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है उनका निर्वहन करते। आप सामाजिक क्षेत्र में कब आए, कब से आपने समाज की सेवा करना स्टार्ट करी, किस तरह के काम करते, खासतौर से आप ऑल इंडिया सैनिक सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बतौर काम करें, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। ये समाज सेवा आदमी के ब्लड में होती है, बिल्कुल सही काम है ना। ये मेरे पिताजी भी समाज सेवी रहे हैं, तो उनके साथ में बचपन में साइकिल पर बैठ के जी धर्मशाला जाता था जहाँ मीटिंग होती थी, तो मेरे पिताजी भी उस काम में लगे थे समाज, तो समाज में जब बचपन में मैं जाता था उनके साथ छोटा था, तो मेरे को भी काम करते करते एक उत्सुकता हुई कि मतलब ये सेवा का काम कर रहे हैं सही है। तो बस जब काम चालू हुआ, मेरे भाई फिर मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने समाज का बड़ा दायित्व निभाया, और हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल सही, जो सुबह कमाता है शाम को खाता है जी। फूलों का व्यापार करते हैं हम लोग, हमारा समाज मैक्सिमम लोग फूलों के व्यापार में, और मैक्सिमम लोग सब्जी में, तो आधे सब्जी में और आधे फ्लावर में, दोनों चीजें जीवन की मूल जरूरत पूरी, मूल जरूरत पूरी, समाज की मूल जरूरत पूरी। हाँ, फूल भगवान को चढ़ाया जाता है, बिल्कुल, तो आप भगवान को चढ़ने वाली चीज हमेशा आपको कहीं ना कहीं जाके वो सुकून देती, सुकून देगी, और सब्जी आदमी के जीवन की जरूरत है, जरूरत। तो हमारा समाज उस व्यापार को करता है जिस व्यापार से आदमी का जीवन चलता है, बिल्कुल सही कहा। आदमी पैदा होने से लेके मरने तक के दायित्व में एक फूल वाले का बहुत योगदान होता है, सही कहा। आदमी जब पैदा होगा तब खुशियां मनाएंगे तो फूलों की आवश्यकता होगी, बीच में जब उसका कोई मंगल कार्य होगा, पूजा पाठ होगी, तो और जब आखिरी में जाएगा तब भी उस फूल वाले फूल लगेगा, याद किया जाए। बात फूलों की हो रही है, खुशबू फैलाने की बात होती है, लेकिन आपने जिस तरह से फूलों के बिजनेस में ही देखा जाए तो शुरुआत बहुत छोटे स्तर पे की, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते इतना वृहद रूप में, तो ये कहूँगा कि माहिल्या की नगरी में जो स्टेजेस बनना शुरू हुए तो इसकी शुरुआत फूलों से बनाने की भी आपने की। इंदौर शहर में वो कौन से दिन थे जब फूलों के स्टेज बनना शुरू हुए थे, और आपको किस तरह से लोगों को तैयार करना होता था कि अब ये जो पर्दे वर्दे लगाने वाली परंपराएं हैं स्टेज पे, ये पुरानी हो चली हैं, और अब आपको इतना हाईटेक तरीके से इस तरह से सजावट के साथ में अपने आयोजन को करना चाहिए। मुले जी, मैंने जीवन में अभी आपको बताया कि बहुत ऊंचा सोचा, तो मेरी सोच का क्रिएशन, बिल्कुल, मैंने जब भी बैठे बैठे सोचते रहता था कि यार इसमें क्या मतलब हो सकता है समाज हो सकता में, कितनी खूबसूरती तो आ सकती। भगवान की कृपा से सबसे पहले मैंने भगवान के मंदिरों में श्रृंगार का काम चालू किया, ठीक है, पहले फूल का चलन इतना नहीं था जी, केवल भगवान को चढ़ाना और शादी में वरमाला पहना दी या दो हार ले लिए वो बहुत हो गए। अब उस व्यापार को व्यापक रूप से करना है तो उसके बारे में सोचना, तो सोचते हुए बड़े शहरों की तरफ मेरा घूमने का शौक है जी। तो जब मैं बम्बई गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, मतलब सारे शहर बड़े बड़े घूमता रहा जी। तो वहाँ जाके कंसेप्ट लाया, बिल्कुल, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, बिल्कुल, तो उन कंसेप्ट को इंदौर में लाने के लिए बड़ी होटल में गए तो वहाँ देखा कि फ्लावर पार्ट में रोज फूल लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ उस जमाने में होटल इंडोटेल करके थी सबसे पहले, फाइव स्टार जी, सुहाग होटल जिसको बोलते थे जी, उस होटल से हमने अपना जीवन का काम चालू किया। फिर श्रीमाया आई, श्रीमाया फुल फ्लेश में थी उस जमाने, बिल्कुल, तो मेरे जीवन के उदाहरण भी रहे आदरणीय मुकेश अरोरा और मदन लाल जी अरोरा, जिनने आज मतलब गोवर्धन निम्बोदे आज आपके सामने बैठा है, तो वो उस उन मालिकों की कृपा मेरे पे रही, उनका भरोसा मेरे पे रहा, बहुत बड़ी बात है। आज आपने मतलब आज आप आज मैं उनके सामने कार में जाता हूँ तो उनको बहुत खुशी होती है, यार हमारे यहाँ साइकिल पे फूल लेके आके डेकोर करना और हमारे श्रीमाया को परिवार की तरह समझना, और वैसा डेवोट होके काम करता था वो आदमी आज के यहाँ सफलता बैठा। कहने की आपके चेहरे की जो रौनक है, आपके चेहरे का जो ग्लो है, आपके आँखों में जो हल्की सी
रुहासी जैसी एक छोटे से पानी का वो आगे है, कहने के आपके सफल और आपके खुशियों को दर्शाता है। गोवर्धन जी, जिस तरह से आपने काम किया, खास तौर से आपने एक एक बात को सिलसिलेवार बताया, लेकिन अब जब समाज को देने की बारी आई तो आपने वाकई उन लोगों तक भी फूलों को पहुंचाया है जो फूल लगाने के कहीं ना कहीं हकदार अपने आप को नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि हम छोटा सा काम कर लेंगे, छोटा सा आयोजन कर लेंगे, लेकिन आप कोशिश ही होती है आपकी, खुद से आप बोलते हैं कि फूल लगाइए और आप लगा के चले जाते हैं, ऐसा कैसा कर पाते हैं? फूलों के फूलों का व्यापार और इसकी रहतता को बढ़ाने, आज शहर में कम से कम 25 से 30 दुकानें ऐसी हैं जिन जो लोग मेरे साथ काम करके जुड़ के उनने अपना अपना अलग अलग दुकानों को स्थापित किया है, व्यापार बढ़ाया है, और उसी व्यापार को बढ़ाते आगे चलते अब मेरे चूँकि 57 साल की उम्र में हो गया हूँ, तो मेरे बेटे के जो उसका विवाह करके सारी जवाबदारियाँ उसको दे दी, आगे अब मेरे को अपना जीवन सामाजिक क्षेत्र में बढ़ना है, आगे धार्मिक क्षेत्रों सामाजिक कि मैं माननीय कैलाश जी रमेश जी के तत्चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ, पर मेरी औकात तो नहीं है। बिल्कुल सही, पर आदमी की औकात तो बनाने से बनती है। बिल्कुल सही कहा, कैलाश जी एकदम तो नहीं है, कैलाश जी ने भी खूब संघर्ष किया, खूब संघर्ष किया, परिश्रम किया, रमेश जी ने जितना संघर्ष किया वो शायद पूरे देश का कोई विधायक नहीं, विधायक मैं उनको विधायक मानता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, मैं उनको सामाजिक क्षेत्र का एक प्रेरणादायक प्रेरणादायक वो संत मानता हूँ, मैं तो उनको संत की बात। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी जुड़े हुए देखा जाएगा, आपने ढेरों भागवत कथाएं कराई इंदौर शहर में, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, किसकी प्रेरणा से होता है? मैं जब 15-16 साल का था जी, तो मेरे एक मित्र थे, उनका मंदिर था अपना जयश्रीराम बाबा का शिक्षक नगर जी, उस जमाने में मैं साइकिल थी मेरे पास, मैं साइकिल से जाता था उनके यहाँ, केवल मैं इसलिए जाता था कि मेरे को प्रसाद के लिए श्रावण का जो था उसमें जाता, जाते जाते मेरे को एकदम लगन लगी आध्यात्मिक लगन, तो तभी 16 साल की उम्र से मैं प्रति माह सावन का अभिषेक पूजा, उसके बाद संतों का सानिध्य, भगवान की दया से मेरे को इतने बड़े बड़े संतों का सानिध्य मिला, शायद प्रभु सबको मिले। बिल्कुल सही कहा, मतलब अवधेशानंद गिरी जी ऐसा था कि संतों को बैठने की जगह, रामनाथ सचार जी हो, सभी की सेवा मैंने खूब कर दी और आज भी करने की चेष्टा रखता हूँ। जी जी जी, कहीं ना कहीं आपका सफल व्यक्तित्व ही बताता है कि आपको संतों का जबरदस्त आशीर्वाद मिला हुआ है और इसी के कारण है कि आप इतने सफल व्यक्तित्व के धनी बने। किसी भी व्यक्ति के मन में एक महत्वाकांक्षा होती है सेवा का माध्यम से, वो चाहता है कि मैं सेवा करूँ, अच्छे से सेवा करूँ और मेरे पास कुछ ऐसे पावर्स हो जिसके चलते मैं और अच्छी सेवा कर सकूँ। क्या आपके मन में भी ऐसे कभी विचार आते हैं कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि पहचाने जाएं? अब ये तो सब भगवान की कृपा है और जनसेवा करने का जहाँ तक माध्यम है, मैं समाज सेवा के अंदर कर ही रहा हूँ, समाज को ऊपर उठाना, आज भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, समाज सेवा करने का जज्बा इसलिए आया कि अपना पूरा सब कुछ हो गया है, अब अपना दायित्व कुछ भी नहीं बचा, अब अपने पास जो बचा हुआ वो समाज को दें, अपने धर्म के लिए लगाएं जी। और जीवन में आदमी आता है, पैदा होता है, पैसा कमाता है, चले जाता है। बिल्कुल सही कहा, पर जब जाता है तो उसके पीछे लाइन लंबी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, उस लाइन को बड़ी करने के लिए मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आया हूँ। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा करूँगा और एक धार्मिक और आध्यात्मिक विषय को लेके ही मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। राजनीति को समाज सेवा के रूप में करना चाहूंगा, ना कि राजनीति करना होती तो मैं तो 12-15 साल 20 आज मेरे को कैलाश जी से जुड़े को हो गए करीब 35 साल। बिल्कुल सही कहा ना, 35 साल में जब मेरे मित्र बंधु पार्षद बने थे, सही बात है, संघ साथी पार्टी, अगर मेरे को करना होती तब कर लेता। बिल्कुल सही कहा, तभी नहीं की मैंने। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गोवर्धन जी से बात करने में हमें काफी आनंद आ रहा है, क्योंकि वो नीचे से यूं कहे कि फर्श से उठकर अर्श पर आ चुके हैं और आज कहीं ना कहीं उनका नाम है इंदौर की माहिल्या की नगरी में। वो अपनी बातों ही बातों से समाज के अन्य लोगों को, युवाओं को खासतौर से कई तरह की सीख भी देते सुने गए। गोवर्धन जी ने हमारे साथ ढेरों बातें की, साथ ही ये भी बताया कि वो किस तरह से एक
फर्श से लेकर अर्श तक के खूब नाम कमाया माहिल्या की नगरी में, और अब राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं, और इसका भी उन्होंने मूल मंत्र दे दिया है कि वह आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं। गोवर्धन जी, आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर्स का हिस्सा बने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।